इतने सारे क्वेश्चंस? आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू अपलोड अ Q&A वीडियो. On my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. तो क्या हाल है? Welcome to my first Q&A video ever. It's Q&A time, baby. तो शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चन से जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, लाइक मैं कहाँ रहता हूँ. वैसे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कई बार दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसको आखिरी बार बता रहा हूँ. भाई मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का रहने वाला हूँ. जी हाँ, वही मथुरा जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ? तो भाई मैं यूज करता हूँ सोनी वेगस प्रो. पहले मैं यूज करता था हिटफिल्म 3 एक्सप्रेस, लेकिन मुझे चाहिए था थोड़ा एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर, तो मैंने सोनी वेगस को अपना डिफॉल्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर बना लिया, जो कि काफी अच्छा काम कर रहा है. ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक जानना चाहती थी. फिर आते हैं लेजेंड्स. वाह, क्या क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बे. तो कंप्यूटर जी बताइए, हमारा पहला प्रश्न क्या है? हैशटैग बोलो सम्राट, भाई तुम कैरी मिनाटी के साथ सेक्स कर लोगे? भैंस की आंख भाई, ये जानना है तेरे को? सीरियसली? तो जानना है तो सुन भाई, मेरे यार कोई नवाबी शौक तो है नहीं, और मेरे ख्याल से कैरी के भी नहीं होंगे यार. अबे अपने को लड़कियां पसंद है बे. नेवर माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई शादी कब करेगा या कुवारा ही मरेगा? भाई जिन लोगों ने कर लिए वो कौन से खुश हैं? देखता हूँ ना मैं अपने दोस्तों को, साले पहले शेर हुआ करते थे, आजकल बीवी के पल्लू में घुसे पड़े हैं. फालतू की बकचोदी, हट, नहीं जीनी ऐसी जिंदगी. हंसता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई तुम्हारी फेवरेट पॉर्न स्टार कौन है? भाई आंधी आ जाए चाहे तूफान, मियां खलीफा की जगह कोई नहीं ले सकता. मी या माई बेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई तू अपना बैकग्राउंड कैसे चेंज करता है और लास्ट वाली वीडियो पसीने में थी लत पर... भाई तू अपना बैकग्राउंड कैसे चेंज करता है और लास्ट वाली वीडियो में पसीने से लथपथ था, धूप में था क्या? अगर आप इस वीडियो की बात कर रही हो तो ये वीडियो मैंने गर्मी के मौसम में शूट की थी और मैंने फैन भी ऑफ कर रखा था ताकि अनवांटेड नॉइस रिकॉर्ड ना हो जाए. सच बताऊं ना यार, उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, मैं बार बार पसीना पूछ रहा था लेकिन पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था. तब क्या कर सकते हैं यार, अभी एसी वाली औकात है नहीं ना, तो यार ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा. और बात रही बैकग्राउंड चेंज करने की, तो बाजार में एक चीज आती है जैसे हम ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं, लाइक दिस दिख रहा है मेरे पीछे, बस यही है, इसको रिमूव करो, जो चाहे बैकग्राउंड लगा लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैशटैग बोलो सम्राट, भाई तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या? नमक यार कभी चक्के तो देखा नहीं है, है कि नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ खट्टा मीठा जरूर लगता है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैशटैग बोलो सम्राट, भाई इंजीनियरिंग कब की और कौन से ब्रांच से की थी? भाई इंजीनियरिंग मैंने 2 साल पहले की थी और ब्रांच थी मेरी मैकेनिकल. हैशटैग बोलो सम्राट, भाई तुम अंडरवियर पहनकर नहाते हो? मैं नहाता ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे यार ये बताओ, ये रोज रोज नए नए मंत्र मारना कहां से सीखते हो? तुमको भी कोई ऐसे मंत्र फूकता है क्या? और हाँ, बाल मत कटवाना. ठीक है भाई यार, बाल नहीं कटवाएंगे. और यार सच बताऊं तो ये मंत्र फूकने वाला जो आइडिया है ना, एकदम सडन आया था. ये कहीं स्क्रिप्टेड नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था, और मैंने पहले स्क्रिप्ट में लिखा भी नहीं था. जब मैं शूट के टाइम आया तो मुझे यार अचानक ही ये लाइन दिमाग में आ गई और मैंने बोला कि यार चलो इस बार ये वाली लाइन ट्राई करके देखते हैं, और ये लाइन आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई. और मुझे मंत्र फूकता है कि नहीं, रियल लाइफ में तो मुझे कोई फूकता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप लोग फूकते हो ना. मतलब मेरे डायलॉग मेरे भाई. जय भद्रकाली का आइडिया किसने दिया था? भाई अक्षय कुमार ने. कुछ साल पहले एक मूवी आई थी हाउसफुल 2, ये डायलॉग उसी फिल्म का है. जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली. सच बताऊं तो ये डायलॉग हम लोगों ने इतना घिसा है कि पूछो मत. ये हमारे फ्रेंड सर्कल का तकिया कलाम सा हो गया था. जब भी हम कभी मिलते थे तो हाय हेलो तो खैर होती ही नहीं थी, बंदी हो गई थी, बस जय भद्रकाली होनी शुरू हो गई थी. बस हाथ की उंगली ऐसे उठाई और जय भद्रकाली सरकार, ये बोलना हम लोगों ने शुरू कर दिया था. उन लोगों का तो बोलना बंद हो गया, लेकिन मेरा आज तक चल रहा है. हैशटैग बोलो सम्राट, दिन में कितनी बार हिलाता है भैंस की आंख? भाई हिलाते तो बच्चे हैं, अल्ट्रा लेजेंड लोग सीधा संभोग करते हैं. मेरे भाई YouTube पर कितना टाइम हो गया? भाई कायदे से देखा जाए तो YouTube पे मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है. मैंने अपना ये वाला चैनल पिछले साल 28 अक्टूबर को बनाया था,
तो उस हिसाब से मुझे कायदे से देखा जाए तो एक साल हो गए, लेकिन ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है। मेरा फर्स्ट चैनल है द सम्राट शुक्ला के नाम से, जो कि मैंने बनाया था मई 2015 में आई गेस। तो उस टाइम मैं वैसे ही रैंडम वीडियोज अपलोड किया करता था उस पर, लाइक अपनी डांस की वीडियोज कर दी और ऐसा ही कुछ भी उठा कर डाल दिया। लेकिन यूट्यूब को सीरियसली मैंने शुरू किया पिछले साल से ही। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। उस चैनल पर भी आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें। उस चैनल को मैं अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाने की सोच रहा हूँ, रियल लाइफ चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी बकचोदी वाले डायलॉग्स लाते कहाँ से हो, वो हमेशा बहुत फनी और औसम होते हैं। यार ये मैं कहीं से लाता नहीं हूँ, एक्चुअली मैं ये वही डायलॉग्स हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं। हाँ वो थोड़े और ज़्यादा खुले विचार वाले होते हैं, यहाँ थोड़ा फिल्टर करके बोलना पड़ता है। सच बोलूँ तो रियल लाइफ में मैं ज़्यादा बकचोद हूँ। हैशटैग बोलो सम्राट, होप यू आर डूइंग फाइन। आई वॉन्टेड टू आस्क यू डैट वट मोटिवेट यू द मोस्ट टू मेक अ वीडियोज, कीप एंटरटेनिंग, यू आर डूइंग ग्रेट। यू आप लोग, सच बताऊं तो जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं और उस वीडियो पर आप लोगों का जो रिस्पांस होता है उसको देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हो जाता हूं। आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अगर कभी वीडियो लेट हो जाए तो पूछते हो, मैसेज में पूछते हो, फेसबुक पर आकर पूछते हो, इंस्टाग्राम पर पूछते हो कि भाई वीडियो क्यों नहीं लेट आ रही है, तो इस चीज़ को देख कर ना काफ़ी मोटिवेट हो जाता हूँ यार मैं, और फिर और मेहनत करने का मन करता है। वो बात अलग है, मैं काफ़ी कामचोर हूँ और लेजी हूँ इस मामले में, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि इस साल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, क्योंकि इस साल के एंड तक अपना टारगेट 2 लाख सब्सक्राइबर टच करने का तो है यार, इतना तो बनता है ना। मेंशन माय नेम ऑन यूट्यूब व्हाइल यू रिप्लाइंग माय आंसर। अच्छा जॉर्डन भाई पूछ रहे इस सवाल को, कर दिया भाई। सो हेयर वी गो, टेल मी व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट यूट्यूब मनी एंड हाउ मच यू गॉट फ्रॉम यूट्यूब। यार सच बताऊं तो मेरी यूट्यूब की फर्स्ट अर्निंग कोई ज्यादा नहीं थी, अप्रोक्स 6,500 के आसपास रही होगी, जो कि आए भी पूरा एक साल बाद थी। मेरे रिएक्शन से पहले मैं अपने माँ बाप का रिएक्शन बता देता हूँ। जब मैंने पापा को बोला कि पापा पेमेंट आ गई है, तो पापा का सिर्फ इतना बोलना था कि बेटा इससे अच्छा था तू कटोरा लेके मंदिर के बाहर बैठ जाता, इससे ज्यादा ही कमा लेता तू। तो ये तो हो गई भाई पापा के लिए। अगर बात करो तो मेरे रिएक्शन की, तो मेरा रिएक्शन तो कुछ इस टाइप का था। और क्यों ना हो यार, पूरे एक साल घिसाने के बाद वो पैसे आए थे, तो यार थोड़ा बहुत पागल होना तो बनता है। अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं किया हो, इंजीनियरिंग लाइफ पे एक कमेंट एंड फेवरेट हीरो। हाँ एक चीज करी है यार मैंने, लेडीज टॉयलेट में जाके सूसु। अबे जिगरा चाहिए होता है बे ये करने के लिए। वो बात अलग है कि उस दिन सैटरडे था और ज़्यादा लोग आए नहीं थे, बट ये एक काम है जो मैंने कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में। और इंजीनियरिंग लाइफ पे कमेंट तो बस यही होगा कि यार वो भी क्या दिन थे। एंड बात रही फेवरेट हीरो की, तो यार फेवरेट जैसा मेरा कुछ भी नहीं है, सभी लोग मेरे फेवरेट है एक्चुअली में, जो अच्छा काम करता है वही मेरा फेवरेट है। और आज का हर हीरो यार काफ़ी मेहनत ही कर रहा है, लेकिन मैं एडमायर करता हूँ रणवीर सिंह को, उस बंदे का एनर्जी लेवल और उस बंदे में कितना टैलेंट है ये उसको भी नहीं पता। भाई क्या बोल रहा हूँ भाई, बहुत सही बंदा है। सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी सही बंदा है, काफ़ी सही एक्टर है। राजकुमार राव, तो ये सब हैं यार, मेहनत कर रहे हैं, फिल्म चलती है नहीं चलती है वो तो फेथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं मूवी सबकी देखता हूँ, सभी मेरे फेवरेट हैं। यार तेरी गर्लफ्रेंड है क्या, नाम क्या है भाई का बता दे, भाई शर्माना मत, हैशटैग की मैंने। यार शकल देख मेरी, इस थोबड़े को देखकर लगता है कोई लड़की पटेगी क्या यार, कुछ ही मतलब है। हे सम्राट, यू लुक क्यूट इन शॉर्ट हेयर। थैंक यू। अबे मेरे बाल तो लंबे, ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। हाय सम्राट, आपको यूट्यूब पर चैनल बनाने का आइडिया कैसे सोचा, मेन आइडिया कहाँ से आया। यार सच बताऊं तो जब मैंने चैनल बनाने का सोचा था ना, तो उस टाइम इंडिया में कॉमेडी चैनल ना के बराबर हुआ करते थे, या होते भी होंगे तो मुझको पता नहीं है। उस वक्त मुझे लगता था वीडियो बनाने के लिए अच्छा कैमरा चाहिए होता है, एक अच्छा माइक चाहिए होता है, एक महंगा कंप्यूटर चाहिए होता है, लेकिन उस वक्त मेरे पास ऐसी सुविधा कुछ भी उपलब्ध नहीं थी। तो यार ऐसे ही टाइम टू टाइम निकलता चला गया, और उस टाइम फोन के कैमरा भी कोई ज्यादा हाई एंड क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे। फिर ऐसे समय बीतता गया, 1-1.5 साल ऐसे ही निकल गया। उस वक्त मेरे घर पे BSNL का ब्रॉडबैंड लगा था, मुझे आज भी याद है। तो मैं ऐसे ही YouTube देख रहा था, तो एक दिन मेरी नज़र एक इंटरव्यू पर पड़ी। तो उस इंटरव्यू में वो बंदा बताया था कैसे उसने स्टार्ट किया, कैसे वो अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करता है, और उसे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो बंदा मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। उस बंदे का नाम है भुवन बाम, और वो इंटरव्यू था TEDx का। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने भुवन बाम को देखा था। देन फिर क्या है, मैंने अपना फोन उठाया और आज हम यहाँ हैं।
यार तू ये सब करता कैसे है यार? वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, मैं अपने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा लेता हूँ, आगे ट्राइपॉड पर कैमरा लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद पागलों की तरह शुरू हो जाता हूँ। और यार वैसे भी हम होते कौन करने वाले, जो भी कराता है भगवान कराता है। भाई अब आगे का क्या प्लान है, मतलब अब यूट्यूब के आगे कुछ करने का इरादा है? लाइक सभी यूट्यूबर एक्टर बनना चाहते हैं, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही प्लान है क्या? यार एवरी यूट्यूबर वांट्स टू बी एन एक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं भी उनसे कोई अलग हूँ नहीं, लेकिन मेरा बस ये फंडा क्लियर है कि मैं जो भी काम करूँ ना उससे लोगों एंटरटेन होने चाहिए, ये मेरा फंडा क्लियर है। और आगे का प्लान कुछ ऐसा है कि यार अपन खोलना चाह रहा है एक प्रोडक्शन हाउस जिसके अंतर्गत आपको शॉर्ट फिल्म मिल जाएंगी, वेब सीरीज मिल जाएंगी एंड हो सके तो फुल लेंथ मूवी भी मिल सकती है, जो कि मेरे द्वारा या तो डायरेक्ट करी गई होगी या फिर एक्ट करी गई होगी। मतलब एंटरटेनमेंट आपको फुल मिलेगा, जहां मेरा नाम जुड़ गया दास सम्राट शुक्ला, मतलब समझ लो एंटरटेनमेंट का भंडार होगा वो। हैशटैग बोलो सम्राट। फर्स्ट, वीडियो बनाने से पहले स्क्रिप्ट की रिहर्सल करते हो या बार बार कैमरे में शूट करके उनमें से अच्छा वाला चूज कर लेते हो? सेकंड, वीडियो अच्छे से शूट किया है, बीच में डिस्टर्बेंस आती है नहीं आती, माँ बाबू जी? बेसिकली मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। यार मैं सच बताऊँ ना तो मैं कभी स्क्रिप्ट की रिहर्सल नहीं करता, बस मेरे आंखों के सामने ऐसा स्क्रिप्ट लिखी रहती है और उसको मैं बस देख कर बोल देता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि वो एडिटिंग में उस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। और बात रही डिस्टर्बेंस की, तो यार डिस्टर्बेंस मुझे अलग टाइप की होती है, लाइक जैसे कभी लाइट चली गई, मैं इन्वर्टर ऑन करना भूल गया, कभी फोन को मैं ऑफलाइन करना भूल जाता हूँ, साले फोन आने शुरू हो जाते हैं। शूटिंग कुछ इस प्रकार होती है कि ऑडियो मेरी लैपटॉप में रिकॉर्ड होती है और वीडियो मेरी फोन से शूट होती है, और फोन का स्क्रीन उल्टी साइड होता है तो मुझे पता नहीं चलती कि उस साइड क्या चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं भी हो रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं पड़ता, मैं फोकस में हूँ नहीं हूँ कोई आइडिया नहीं रहता। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडियो पूरी रिकॉर्ड हो गई और वीडियो की रिकॉर्डिंग ही रुकी पड़ी है, मेरे साथ ये सारी चीजें काफी होती है। भाई मेरा एक सवाल है, आप रियल लाइफ में क्या काम करते हो? यार सच बताऊं ना तो मैं जॉब करता हूं, साइट का काम है मेरा, मैं जगह जगह जाकर पैसे कलेक्ट करता हूं, मोस्टली मैं बाहर ही रहता हूं, तो आप इसे फील्ड वर्क कह ही सकते हो। अब जिन लोगों को लगता है कि यार यूट्यूब इज माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम, नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम तो ये है। भाई मेरा एक सवाल है, अब तक तुमने YouTube से कितनी कमाई की है, सच बताना एकदम सच, नहीं तो ऐसा भूख मारूंगा कि लौंडिया भाग जाएगी। यार सच बताऊं तो YouTube से मैंने कोई ज्यादा कुछ भी अर्न नहीं किया है। अब जिन लोगों को लग रहा है मैं YouTube से हजारों लाखों छाप रहा हूँ तो ये बात सरासर गलत है, मुझे अप्रॉक्स 15 से 20 हजार व्यूज के एक डॉलर बन जाता है। अब आप लोग खुद ही आइडिया लगा लो कि यार कितने मेरे व्यूज आते हैं और कितना रुपए मैं छापता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं आपको अपनी लाइफ टाइम अर्निंग शो करने जा रहा हूँ विद प्रूफ कि मैंने अब तक YouTube से कितनी कमाई की है, सो हियर यू गो। हाँ तो भाई ये हम आ गए अपने लैपटॉप में और हम ओपन कर लेते हैं अपना यूट्यूब, ये हमने ओपन कर लिया क्रिएटर स्टूडियो। Analytics, Revenue, and here you go. अब इसको हम lifetime पे सेट कर लेते हैं, here you go. $456, अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो ये अप्रॉक्स बैठता है 29,000 रुपए के आसपास। तो ये है मेरे लाइफ टाइम की यूट्यूब की कमाई। बट इज योर स्पेशलाइजेशन इन इंजीनियरिंग? वेल आई एम हैविंग सिविल ग्रुप सेकंड ईयर, व्हाई डिड यू मूव फॉर यूट्यूब करियर एक्सेप्ट इंजीनियरिंग करियर? खुशी माय डियर खुशी। यार और लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बचपन से क्लियर था कि मुझे बॉलीवुड में ही कुछ करना है। इंजीनियरिंग मैंने इसलिए कर ली क्योंकि सब कर रहे थे, मेरा भाई इंजीनियर था, मेरे सब दोस्त लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, मैंने कहा भैया बहती गंगा में हाथ धो लो। असल बात तो यह है इंजीनियर्स की शादी जल्दी हो जाती है। भाई किसी पॉलिटिशियन लीडर का रोस्ट करने का सोचा है क्या? यार सच बताऊं तो मैं रोस्टिंग नहीं करता, मुझे एकदम फालतू की चीज लगती है, और इंडिया में तो रोस्टिंग की इतनी भद्दपिटी पड़ी है कि क्या बताऊं। इंडिया में रोस्टिंग का मतलब सिर्फ गाली देना ही रह गया है और कुछ है नहीं, जबकि ये गलत है। हाँ मैंने किया था एक बार रोस्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल का, मेरे पुराने सब्सक्राइबर इस बात को जानते हैं, पर मैंने यूट्यूब से ये वीडियो हटा दी क्योंकि यार फालतू में लोग ऑफेंड हो रहे थे, तो जिसका कोई सेंस बन नहीं रहा था तो मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप फेसबुक पर जाकर दे सकते हैं, वहां वो वीडियो अब भी मौजूद है।
अगर आपको देखना हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ तो भाई लोग, आज आप लोगों को कुछ ज्यादा ही पका दिया, बट फिर भी इस वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। आज का लाइक हम रखते हैं 7000 लाइक। अब नेक्स्ट क्यू एंड ए तभी आएगा जब इस पर 7000 लाइक हो जाएंगे। अब करो लाइक, चल बे बोरे बिस्तरवान। आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कैलू जिला। आज का लाइक एम याद है ना, तो लाइक करो। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोनों चैनल्स को, और इस घंटे के निशान को दबाए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। आपको आपकी गर्लफ्रेंड के शर्ट के बटन की कसम। फॉलो करो सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही अकाउंट है, @thesamratshukla। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट।